मेरे पहले और साथी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज आपको मैं MIC केबल ग्लाइडिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं टूल के ऊपर। मैं आपको टूल के बारे में बताता हूँ कि हमें कौन से टूल की जरूरत पड़ती है। नंबर एक गाइड, इससे हम जो है कार्पेट को रिमूव करते हैं, और इस ये जो है आइटम है इसे हम ग्लैंड को पंच करते हैं। नंबर टू, नंबर थ्री की, इससे ग्लैंड को हम टाइट करता हूँ, और नंबर थ्री पे आ जाता है नाइफ, नंबर फोर पे एडजस्टेबल, नंबर फाइव पे आ जाता है मंकी प्लेयर, नंबर सिक्स पे टायर, और नंबर सेवन पे हमें एक्स्ट्रा ब्लेड की भी जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा फ्रेम विद ब्लेड, इसकी भी जरूरत पड़ती है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि MIC केबल जो है ये आपके सामने नज़र आ रही होगी कि हाँ पे मैंने इसकी जो है वो क्या किया है, मेजरमेंट की है। ये मेजरमेंट करने के बाद, टेप लगाने के बाद, अब इसको मैं रिमूव करूँगा, यानी इसका इंस्ट्रक्शन बता दूँगा। उतारने के लिए मुझे नाइफ की जरूरत पड़ती है, ये मैंने उतारा है, ये देखिए ये मैं उतार रहा हूँ। अब ये मैंने उतार दिया है। उतारने के बाद ये उतार दिया है, अभी यहाँ से इससे जो रिमूव करूँगा कापर, इसके लिए आपको ये सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये इसके साइड देख लें, फिर यहाँ पर इसको एडजस्ट करें। ये इसका ब्लेड है, ब्लेड के साथ आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ आप प्रेस करोगे, जब प्रेस करेंगे तो ये इसको पकड़ लेगी, तो उसके बाद आपने जो है इसका रिमूव करना शुरू कर देना है। ये देखें, ये आप देखते हैं ये रिमूव हो रहा है जी, इसका ये तरीका है। और जब आपने स्टार्ट करना है यहाँ तक, जब लेके जाने का है, वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको चार पाँच से बताता हूँ। आप प्लायर अपने हाथ में पकड़ें, लेफ्ट हैंड में पकड़ के आप इसको यहाँ से घुमाएं और ये कट हो जाता है, ये आपके सामने कट हो गया, ये आप निकाल दिया है आपने। अब मैंने दूसरी जो केबल है उसको क्या किया है, ये मैंने रिमूव कर दिया है। करने के बाद अपने इसको ग्लैंड लगाऊंगा, ये है एक ग्लैंड बना, MIC केबल का ग्लैंड है। नंबर वन इसका पार्ट है, ये भी पार्टों में हम इस पार्ट को ऊपर चढ़ाते हैं। नंबर टू, ये देखो ये इसका लॉक है, क्या आप देख सकते हैं कैमरे की वजह से, नंबर थ्री बार का आ गया। यह आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे आपने कर दिया है। नंबर फोर पे आपने ये देखें, ये जो केबल को टाइट करने के लिए प्लेन टाइप हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है, यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लगाने को बाद इसको थोड़ा से अंदर की तरफ ऐसे टाइट करेंगे, ये जब ऐसे टाइट करेंगे उसके बाद की मदद से, ये जो जिसे हम लैंप को टाइट करेंगे, इस की मदद से मैं इसको लैंप को टाइट करूँगा। ये कर दिया है, अब इसको इसको भी सब आप खोल लें, इसका कोई टेंशन नहीं है। ये आप खोल इसको पहले सबसे पहले लैंप को टाइट करें, टाइट आपने इसको करना है, जितना ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है कि आप दोबारा खोलने में प्रॉब्लम हो। ये टाइट हो गया है, अब इसको मैंने क्या करना है, ग्लैंड का जो अंदर वाला आपको खोल दिखाया था, ये इसका अंदरूनी हिस्सा जो है, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये अब इसको इस की मदद से टाइट करूँगा। ये देखें, इसको सर से पकड़ें, आराम से इसको अंदर की तरफ ऐसे पुश करें, ये आपको आवाज़ भी आती होगी।
जी टाइट हो गया है। अब इसको रिमूव करना है, की को रिमूव कर देते हैं। ये देखें ये टाइट हो गया है। टाइट होने के बाद आप इसको देखें, इसकी सफाई करके फिर आपने वायर को देखने का है कि कहीं वायर तो टेढ़ी नहीं हो गई है। नेक्स्ट जो आपको नेक्स्ट ये देखिए इसका लॉक है, यानी कि इसको शॉर्ट दूर करने के लिए एक प्लास्टिक का जो है इसके अंदर क्या हम डालते हैं, स्लीव डाल देते हैं ताकि केबल जो है वो आपस में शॉर्ट ना हो। आप इसको ये ले जाएं आगे की तरफ ले जाएं। ये आप इधर से केबल को सही तरीके से देखने का है, और उसके देखिए लेंथ जो है वो भी साइड में है, वायर वाली साइड में उल्टा नहीं लगाना है। अगर उल्टा लगाएंगे तो फिर ये आपका जहाँ वो शॉर्ट हो जाएगी, केबल शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ पे इसका ये शॉर्ट करने के लिए ये मेडिसिन है जो है, इसको हम मेडिसिन लगाते हैं, केमिकल है। यहाँ पे इसका ये केमिकल हम हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये पेपर के साथ ही हम लगा सकते हैं, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये लगा दिया है, अब इसको अंदर की तरफ प्रेस करें। ऐसे ये प्रेस हो गया है। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये पंच करने के लिए इस्तेमाल होती है ये डाई, अब ये देखें डाई की मदद से मैं ग्लैंड को पंच करूंगा। ये है कि इसको थोड़ा सा आगे करना चाहिए आपको पानी प्रॉब्लम। ये टाइट हो गया, अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये रिमूव कर दिया, ये देखें ये पंच हो गया है, फिर से पंच हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, टाइट करने का है। टाइट की मदद से हम इसको खोल लेते हैं। अगर आपके पास दो एडजस्टेबल है तो एडजस्टेबल से भी कर सकते हैं, इसमें ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टाइट आपने इसको करना है, ये जो है छोटा नेट आपको जो इसकी बैक साइड पे नजर आ रहा है उसको आपने टाइट करना है, ताकि आपको ग्लैंड टाइट हो जाएगा। ये टाइट हो गया है, अब इसको रिमूव हमने की को रिमूव करना है। जी ये अभी रिमूव हो गया, इधर से एडजस्टेबल से मैंने पकड़ा और इसको घुमाया और ये रिमूव हो गया। ये आपका अप्लाई हो गया है, ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर कैप लगा दें, लगाने के बाद ये आपका ग्लैंड कंप्लीट हो चुका है। अब अभी जो है ना, आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकॉन को जो है वो प्रेस करें, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिन में आपके लिए मालूमात वाली वीडियो बनाऊंगा। डीपी ड्रेसिंग के बारे में बताऊंगा, ड्राइंग के बारे में बताऊंगा, लाइट लगाने का तरीका। आप ये मैं इस वक्त इलेक्ट्रिक रूम के अंदर मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये डीबी हैं आप देख सकते हैं। जहाँ पे ऊपर एक छत के ऊपर वो लाइट के साथ में एक ग्रीन केबल है, उसके बारे में आपको बहुत सी जो है वो मालूमात वाली जो है वो मैं बातें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।